तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है फाइन ए कॉमा बी इफ़ पी एज इक्ल टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज ईक्ल टू टेन ट्राइंगल आपको पी ए बी यहाँ दिया हुआ है सबके वर्टिस दिए हुए हैं तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमें दिया ये दिया हुआ है कि पी ए इज इक्ल टू पी बी अच्छा अगर पी ए इज एकल टू पी बी दिया हुआ है तो हम पी ए स्क्र इज एक टू पी बी स्क्वायेर भी लिख सकते हैं ठीक है डिस्टेंस फार्मूला से पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू होल स्क्वायर ठीक है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्र ए स्क्वायर बी स्क्र एल एच एस और आर एच एस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका फोर ए माइनस ट्वेल्व बी इज एकवल टू फोर ठीक है फोर कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं तो रिलेशन हमारा बन गया है ए माइनस थ्री बी इज़ इक्ल टू वन तो ए और बी में पहला रिलेशन ये आ गया फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी एस टेन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता था डेल्टा ये हमारा हो जाता है मॉड ऑफ हाफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वन थ्री फोर वन एंड फाइव माइनस टू वन मॉडुलस में है ये तो इसकी वैल्यू हो गई टेन राइट right? ये टू एल में जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है आर में जाके या फिर यहीं रहने देते हैं देखते हैं आगे क्या होता है तो ये मॉडुलस ऑफ हाफ़ यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सिक्स ए प्लस टू बी ऑल राइट और यहाँ पे माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू टेन टू कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया थ्री ए प्लस बी माइनस थर्टीन इज वल टू टेन ठीक है अब हमारे पास फर्स्ट रिलेशन से हमें पता है कि ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री बी प्लस वन तो ए के बदले में थ्री बी प्लस वन सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा टेन बी माइनस टेन इज एकवल टू टेन मॉड हटाएंगे तो हमारे पास टेन बी माइनस टेन की वैल्यू या तो टेन मिलेगी या फिर माइनस टेन मिलेगी और यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो b की वैल्यू या तो ज़ीरो मिलेगी या फिर टू मिलेगी तो b की वैल्यू आ गई तो सेंस हम जानते हैं कि a की वैल्यू है हमारे पास थ्री बी प्लस वन तो जब b की वैल्यू ज़ीरो होगी तो a की वैल्यू वन मिल जाएगी और जब बी की वैल्यू टू होगी तो ए की वैल्यू सेवन मिल जाएगी तो देयर फोर हमारे पास ए b बी ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा वन 0 ज़ीरो या फिर सेवन 2। टू ठीक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोल रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू माइनस टू कामा माइनस सेवन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ टैन इनवर्स थ्री बाई फोर विथ फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री तो हमारे पास लाइन दिया हुआ है फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री ठीक है और हमें माइनस टू कामा माइनस सेवन कोई पॉइंट दिया हुआ है माइनस टू कामा माइनस सेवन और यहां से पास होने वाले लाइन्स का इक्वेशन चाहिए जो इस गिवन लाइन से एंगल थीटा बनाते हो ठीक है जहां इस एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग हमें टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है थ्री बाई फोर ठीक है तो हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए तो देखिए पॉइंट तो हमें पता है तो हमें क्या करना है स्लोप निकालना है स्लोप निकालने के लिए एक बार देखिए इस लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये वाला लाइन मिल जाएगा और इस लाइन को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो आपको ये वाला लाइन मिल जाएगा तो आपका जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा दो स्लोप आएंगे ऑब्वियसली दो लाइंस आएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दो स्लोप मिलेंगे आपको तो पहला स्लोप M1 अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम प्लस थीटा अपॉन वन माइनस एम टैन थीटा जहां एम की वैल्यू इस लाइन का स्लोप है दैट इज माइनस फोर बाई थ्री तो ये हो गया माइनस फोर बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर अपॉन वन प्लस फोर बाई थ्री इंटू थ्री बाई फोर ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस सेवन और अपॉन ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे ये बन गया माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फोर तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में y प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फोर एंड एक्स प्लस टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पहला लाइन आ जाएगा दूसरे लाइन के लिए हमें जो स्लोप चाहिए m2 वो हम अब क्लॉकवाइज रोटेशन से निकालेंगे ये बन जाएगा हमारा एम माइनस टैन थीटा अपॉन वन प्लस एम इंटू टैन थीटा यहाँ से वैल्यू हो गई माइनस फोर बाई थ्री माइनस थ्री बाई फोर अपॉन वन माइनस ऑफ वन अब ये इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई इन्फिनिटी तो अगर कभी भी स्लोप हमारा इन्फिनी हो जाए यानी कहने का मतलब हमारा जो लाइन हो जाता है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाता है यानी पैरल टू वाई एक्सिस हो जाता है और हमने ये देखा था कि अगर कोई भी लाइन पैरल टू वाई एक्सिस होता है तो उसका इक्वेशन हमेशा एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म होता है तो हमारा जो लाइन टू होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज ईक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म और ये कहाँ से पास करता है माइनस टू का सेवन से तो पासिस थ्रू माइनस टू को माइनस सेवन इसको सेटिस्फाई करेगा तो देरफोर हमारे पास सेकेंड लाइन जो मिल जाएगा हमें वो मिल गया एक्स इज एक टू माइनस टू और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक और सवाल देखते हैं क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय वाई इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एक्स तो एक बार एक पिक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं तो हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरीके से है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक रॉम्बस बनाया है ठीक है जिसमें एक साइड का स्लोप थ्री बाई फोर है और दूसरे साइड का स्लोप फोर बाई थ्री ठीक है अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ़ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगनल ओ सी इज ट्वेल्व देन फाइन द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स तो बाकी के दो साइड्स का इक्वेशन हमें निकालना है ठीक है जहाँ पे हमें लॉन्गर डायगोनल 12 यूनिट दिया हुआ है तो देखिए अगर ये लाइन हमारा ये लाइन y इज़ एकल टू थ्री बाई फोर एक्स है ठीक है और ये वाला लाइन हमारे पास y इज़ इक्ल टू फोर बाई थ्री एक्स है तो दोनों के स्लोप तो हमें पता है तो अब अगर हमें ये लाइन का स्लोप पता है तो ये लाइन का भी स्लोप पता है इसका स्लोप हमारा थ्री बाई फोर ही होने वाला है और अगर हमें ये लाइन का स्लोप पता है तो ये लाइन का भी स्लोप पता होगा क्योंकि इसका भी स्लोप क्या होने वाला है फोर बाई थ्री होने वाला है यानी इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है स्लोप हमें पता है पॉइंट अगर पता चल जाएगा तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे ठीक है तो यानी यहां से हमें क्या करना है इस डाइगनल का लेंथ हमें पता था ठीक है ट्वेल्व यूनिट है अगर इसका इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस मिल जाए तो हम उस पॉइंट का कॉर्डिनेट लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में क्योंकि आर हमें ये पता है आर डिस्टेंस हमें पता है ट्वेल्व है और अगर ये हमें थीटा मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा ठीक है एक तो तरीका है कि हम प्योर ज्योमेट्री यूज़ कर लें ठीक है प्योर ज्योमेट्री यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर ये मान लो अल्फ़ा हम मान लेते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू टैन अल्फा की वैल्यू थ्री बाई फोर है है ना और ये वाला एंगल अगर हम बीटा मानते हैं तो टैन बीटा की वैल्यू फोर बाई थ्री है विच इज नथिंग बट कॉट अल्फा ठीक है यानी अगर हम देखें तो हमारा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा तो अगर ये दोनों एंगल अल्फा हैं ठीक है थीके? और हमें पता है कि ये जो डायगनल होता है ये बेसिकली इन दोनों साइड्स का एंगल बाई होता है तो ये एंगल अगर हमारे पास लेटेस्ट से बीटा हुआ तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा ठीक है तो डायग्राम के हिसाब से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा टू टाइम्स इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होना चाहिए यानी यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री और यही तो हमारा थीटा है तो हमें थीटा मिल गया एक तो तरीका यह है निका, निकालने का या फिर आप दूसरा तरीका यह भी यूज कर सकते थे याद करिए कि अगर इसका स्लोप मैंने एम मान लिया ठीक है और इन दोनों का स्लोप हमें पता है तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए विथ टू लाइन अगर हमें दिया हुआ हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एम माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम एम वन इज इक्वल टू एम टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम एम टू है ना इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आइए पुट करके देखते हैं तो यानी यहाँ से एम माइनस एम वन मैं थ्री बाई फोर लेता हूँ तो थ्री बाई फोर अपॉन वन प्लस थ्री एम बाई फोर इज इक्वल टू यहाँ से फोर बाई थ्री ले लेता हूँ एम टू तो फोर बाई थ्री माइनस एम अपॉन वन प्लस फोर एम बाई थ्री ठीक है सिम्प्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा फोर एम माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री एम इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एम अपॉन फोर एम प्लस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन जाएगा फोर एम माइनस थ्री इंटू फोर एम प्लस थ्री विल बिकम सिक्सटीन एम स्क्र माइनस नाइन और यहाँ से फोर माइनस थ्री एम इंटू फोर माइनस फोर प्लस थ्री एम बन जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन एम स्क्र तो यहाँ से हमने देखा तो एम स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी वन यानी यहाँ से एम की दो पॉसिबल वैल्यू हैं वन और माइनस वन लेकिन सिंस हमारा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस वन हमारा हो नहीं सकता तो क्लियरली हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन यानी यहां से भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू वन या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्टी फाइव डिग्री तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ज्योमेट्री वाला ज्यादा आसान है तो अब अगर हमें थीटा मिल गया तो चलिए इस पॉइंट को फॉर्दर टाइमिंग अगर मैं सी बोल दूँ तो क्लियरली सी का जो कॉर्डिनेट हो जाएगा ठीक है सी का कॉर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा यानी ट्वेल्व कॉस 45 डिग्री कॉमा 12, साइन 45 डिग्री है ना और यहाँ से वैल्यू निकाली हमने तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कॉस 45 और साइन 45 दोनों की ही वैल्यू हमारी वन बाई रूट टू होती है ठीक है तो ये बन जाएगा हमारा सिक्स रूट टू कॉमा सिक्स रूट टू पॉइंट पता चल गया स्लोप हमें पता थे ही तो पहला साइड वन हो जाएगा हमारा जो लाइन थ्री बाई फोर के पैरेलल वाई इज ईक्ल टू थ्री बाई फोर एक्स के पैरेलल है उसका इक्वेशन बन गया वाई माइनस सिक्स रूट टू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर टाइम्स एक्स माइनस सिक्स रूट टू और साइड टू हमारा हो जाएगा जो वाई इज ईक्ल टू फोर बाई थ्री एक्स के पैरेलल है वाई माइनस सिक्स रूट टू इज एकवल टू फोर बाई थ्री एक्स माइनस सिक्स रूट